आइवा ब्रेड 7.5 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है लुपिन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। आइवा ब्रेड ऑन 7.5 mg इसके अंदर रहता है और यह टैबलेट जो कि 458 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है, जिसमें ये टैबलेट काम करती है बहुत सारे केस में, जैसे कि ये ट्रीटमेंट करती है हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में, क्रोनिक टर्म में इसको यूज़ किया जाता है और हार्ट फेलियर में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। युवा ब्रेड 7.5 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है लुपिन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। युवा ब्रेड इन 7.5 mg रहता है और इस टैबलेट का MRP की बात करो तो 458 रुपीज़ रहता है और 15 गोली रहती है इसके अंदर। ये टैबलेट जो कि ट्रीटमेंट करती है एंजियाना का ट्रीटमेंट करती है, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन का, क्रोनिक जो कि लॉन्ग टर्म हार्ट फेलियर में इसको यूज़ किया जाता है, जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं उनको इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि हार्ट रेट स्लो हो सकती है, हेडेक हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इस टेबलेट को ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखें ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये टेबलेट काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करो तो ये हार्ट रेट को स्लो करती है ये मेडिसिन, और हार्ट रेट को नॉर्मल कर देती है, जिससे क्या होता है हार्ट अच्छे से काम करता है इफेक्टिवली। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।